टूटा हुआ है, इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए यहाँ का गवर्नमेंट का। देख सकते हो यहाँ पे, और ये एक क्रॉसिंग रोड है, यहाँ पे जाकर ऐसे करके क्रॉस करके और ये साइड में आकर ऐसे करके नीचे आ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एक क्रॉसिंग रोड है, और ये सब जो आपको यहाँ पे बड़ा अक्षर में लिखा भी है कि नेपाली में लिखा है, दूसरा एक इंग्लिश में लिखा हुआ है कुर्था स्टेशन करके। और जैसे कि आपको ये पूरा देखने के लिए मिल रहा है, ये सब कर्मचारी लोग का रहने के लिए घर है, और टिकट विकट आप यहाँ से ले सकते हो। और अभी ये पूरा बंद है क्योंकि यहाँ पर अभी तक कोई ट्रेन व्रेन नहीं चल रहा है, तो ये सब बंद किया गया है। और यहाँ पर मैं बीच में आ गया हूँ, थोड़ा इधर दो तीन लोग हैं, वो लोग भी पिक्चर सेल्फी वीडियो बनाने के लिए आया हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फेंसिंग डिजाइन ही बहुत अच्छा दिया है, और यहाँ पे सेलिंग फैन का भी सुविधा है। और ट्रेन कब आएगा यही मालूम नहीं है। ये नेपाल का रेलवे है, मगर ये रेलवे पटरी बना हुआ लगभग 2-3 साल हो चुका है, मगर नेपाल का गवर्नमेंट का एकदम ये बात देना चाहिए कि 2-3 साल हो गया है, मगर फिर भी यहाँ पे ट्रेन का कुछ था पता भी नहीं है। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये पटरी में खिया लग गया है, मगर कब ट्रेन आएगा किसी को अभी तक मालूम नहीं है। तो इसलिए नेपाल सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि 2-3 बरस सिर्फ ये पटरी जो लगाया है, बिछाया गया है, सिर्फ इसमें बीज लगने के लिए और खिया लगने के लिए। मैं नेपाल सरकार का बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि नेपाल सरकार आप कब ट्रेन लेके आओगे इस पे। ये तो जितना पटरी है पूरा घिस घिस के पतला हो गया, इसमें बीज लग गया है, जंग लग गया है, मगर ट्रेन का अभी तक था पता भी नहीं है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो, मैं अभी ये कुर्था का रेलवे स्टेशन है, और कुर्था का नेपाल के सबसे लास्ट रेलवे स्टेशन होता है। और इसके इधर से इसके उधर आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे कोई नहीं है, उधर से कोई स्टेशन नहीं जाए है, ये लास्ट स्टेशन है। और मेन पटरी यही है, मेन पटरी आप देख सकते हो यहाँ पे लास्ट हो रहा है। और ऐसे ही करके यहाँ पे आगे में जो है उधर आप देख सकते हो, जैसे कि ये मेन स्टेशन हो गया, मगर मेन स्टेशन होने के बाद भी यहाँ पे कुछ भी अभी सुविधा नहीं है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जैसे कि पटरी बहुत यहाँ पे, इधर भी पटरी है, इधर भी पटरी है, उधर भी है और उधर भी है, ये पूरा पटरी है, मगर इस पे ट्रेन कब आएगा और कैसे आएगा अभी तक किसी को मालूम नहीं है। इधर जब इलेक्शन होता है वो टाइम में सिर्फ 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए ट्रेन लेके आता है और थोड़ा घुमा देता है और लेके फिर चले जाता है। ये 2-3 साल से बोल रहे हैं आज आएगा कल आएगा, मगर अभी तक ट्रेन का कुछ मालूम नहीं है कि आएगा भी और नहीं आएगा भी। तो हम लोग बहुत दुखित है, अभी तक यहाँ पे पटरी बन चुका है मगर ट्रेन का कुछ था पता नहीं है। ट्रेन किधर है किधर नहीं है, कब आएगा नहीं आएगा कुछ मालूम नहीं है। और यहाँ पे पटरी आप लोग देख सकते हो, जैसे कि पटरी में पूरा खिया लग गया है, घिस गया है, और यहाँ पे मिट्टी बालू पूरा जम गया हुआ है, मगर फिर भी अभी तक ट्रेन को कुछ था पता नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग शेयर कीजिएगा, और ये नेपाल गवर्नमेंट के पास ये वीडियो जाना चाहिए, और उसका भी दिमाग थोड़ा खुलना चाहिए, स्पेशली नेपाल का प्रदेश नंबर 2। अभी वो प्रदेश का नाम रख दिया है मधेश प्रदेश, मगर अभी तक ये कुछ भी नाम चेंज करने से आपको यहाँ पे ट्रेन में कुछ चेंजिंग नहीं हो रहा है। प्रदेश का नाम चेंज करने से क्या होता है, जो काम है वो काम करना चाहिए। और यहाँ पे नेपाल गवर्नमेंट को मैं बहुत दुखी हूँ नेपाल गवर्नमेंट से, और यहाँ का जनता भी बहुत दुखी है नेपाल गवर्नमेंट से। यहाँ पे सिर्फ पटरी बिछाया गया है, ये सिर्फ शो के लिए पटरी बिछाया गया है, मगर यहाँ पे कब ट्रेन आएगा कब क्या होगा अभी तक किसी को मालूम नहीं है। तो दोस्तों यही इसी मैं आज कुर्था जो लास्ट स्टेशन है इसी पे मैं आया था, और इसी के बारे में वीडियो में बना रहा हूँ कि यहाँ पे कब ट्रेन आएगा और क्या होगा कि नहीं भी आएगा, इस पे कुछ गारंटी नहीं है। मगर यहाँ पे ट्रेन का जो पटरी होता है, पटरी बन के रेडी है, और यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि उधर स्टेशन है मेन स्टेशन, उधर लास्ट में वो मेन स्टेशन भी बन के रेडी हुआ है, हर एक चीज़ है, सिर्फ यहाँ पे ट्रेन आने का बाकी है। मगर ट्रेन कब आएगा कैसे आएगा अभी तक किसी को मालूम नहीं है। जो प्रदेश नंबर 2, प्लीज आप यहाँ पे जनता को दुखी नहीं कीजिए, 2-3 साल हो गया है पटरी को बिछाया हुआ, पटरी रेडी किया हुआ, मगर अभी तक यहाँ पे ट्रेन का था पता भी नहीं है, और ट्रेन आएगा भी नहीं भी आएगा इसमें कोई गारंटी नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जल्द से जल्द आपको ट्रेन लेके आना होगा, और जब ट्रेन आ जाएगा यहाँ पे बहुत पब्लिक का रोजगार भी मिलेगा,
और ये जो प्रदेश नंबर दो का जितना जनता है वो सबके लिए अच्छा होगा। तो दोस्तों मैं बहुत थक गया हूँ और ये जो जितना पटरी है मैं पूरा, ये जो कुर्था का रेलवे स्टेशन मेन स्टेशन और लास्ट स्टेशन इसी को बोला जाता है, मैं ये स्टेशन का पूरा वीडियो आपको दिखाऊंगा और आपको मैं इस स्टेशन के बारे में पूरा दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, वहाँ पे जस्ट ये जो आप देख सकते हो यहीं से लास्ट हो रहा है और इसका आगे उधर स्टेशन नहीं है, कुछ भी पटरी नहीं है और यही लास्ट है। और दोस्तों आप ये देख सकते हो यहाँ बोर्ड भी लगा दिया है कुर्था स्टेशन करके, है ना, कुर्था करके, यही कुर्था का लास्ट स्टेशन है। मगर यहाँ पे ये बोर्ड लगाने से कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ पे ट्रेन कब आएगा। और यहाँ पे अभी कोई कर्मचारी भी यहाँ पे काम नहीं कर रहा है क्योंकि ट्रेन नहीं है। और यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हो कितना गंदगी है, क्योंकि ट्रेन ही नहीं है तो कौन आएगा सफाई करने के लिए। तभी यहाँ पे जनता लोग को रोजगारी मिलेगा। और नेपाल सरकार से मैं यही विनती करता हूँ कि यहाँ पे ट्रेन जल्द से जल्द लाया जाए और ट्रेन का जो प्रोसेस है वो करना चाहिए। और यहाँ पे ट्रेन जब आ जाएगा तो ये स्टेशन देखने के लिए बहुत अच्छा होगा। और यहाँ पे अभी एक भी आदमी नहीं दिख रहा है आपको, पूरा सन्नाटा है, पूरा सुनसान लग रहा है। तो जैसे कि ये ट्रेन इस पर जब चालू हो जाएगा तो यहाँ पे आदमी लोग होंगे बहुत और ये बहुत अच्छा लगेगा देखने के लिए। और एक एक आपको दिखा दे रहा हूँ कि एक ये यहाँ से दो पटरी गया हुआ है और इधर से आप देख सकते हो, जैसे कि इधर से उधर पूरा, इधर से दो कनेक्शन है और इधर साइड में आपको मैं दिखा रहा हूँ कि इधर भी दो कनेक्शन है, इधर से जाएगा एक और उधर से रिटर्न आएगा। तो ऐसे करके इधर भी दो कनेक्शन है। पटरी तो बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल बनाया है और बहुत यहाँ पे जो प्रदेश नंबर दो का सरकार है उसको मैं विनती कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा और यहाँ पे ट्रेन लाने का जल्द से जल्द प्रयास करिएगा। और जब ट्रेन आ जाएगा तो ये जो जनकपुर धाम है बहुत अच्छा लगेगा देखने के लिए। और जनकपुर में आप सबको तो मालूम ही है, जनकपुर एक बहुत अच्छा सिटी है, हो गया राम मंदिर, हो गया बहुत सारा यहाँ पे टेम्पल है, तो सब देखने के लिए मिलेगा। और एक एक एक, एक ट्रेन आ जाएगा तो और भी यहाँ पे खूबसूरत हो जाएगा देखने के लिए। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं अभी स्टेशन का पास आ रहा हूँ और स्टेशन का ये ऊपर में जो पब्लिक का क्रॉसिंग रोड बनाया है, तो जैसे कि ऊपर में आप देख सकते हो यहाँ पे एक क्रॉसिंग रोड बन गया हुआ है। तो मेरे को जैसे लगा यहाँ पे पूरा काम कंप्लीट है, अगर ट्रेन आएगा तो आ सकता है 2-4 दिन 10 दिन में, अगर थोड़ा सा प्रोसेस है, थोड़ा सा काम है वो करके यहाँ पे ट्रेन आ सकता है। मगर यहाँ का जो गवर्नमेंट है वो ध्यान नहीं देता है, कुछ नहीं इसके लिए करता है। अगर इसको ध्यान देकर करेगा तो जल्द ही आ जाएगा। और कुर्था का नेपाल का, कुर्था का है और ये नेपाल का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा रेलवे स्टेशन है, जैसे कि आपको देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पे सब जो दिख रहा है पूरा घर है, जैसे कि टिकट का लेने के लिए घर है। और उधर भी इसका आगे जो आप लोग को छोटा छोटा घर दिख रहा होगा वो सब यहाँ पे टिकट लेने का प्रोसेस है और ऐसे ही घर बनाया गया है। और ये घर अभी देखो 3 साल हो गया बनाया हुआ, तो इसमें अभी तक कुछ नहीं किया है, तो ये घर भी ऐसे ही पुराना जैसे लग रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो पीछे में, पीछे के साइड में एकदम बिल्कुल पीछे उधर एक गांव है, उसी गांव का नाम है कुर्था और ये स्टेशन उसी गांव का अंदर में बना है, तो ये स्टेशन का नाम भी रखा गया है कुर्था स्टेशन। और जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा चौड़ है और यहाँ पे ये पानी के लिए भी बनाया गया है, देख सकते हो आप यहाँ पे पानी के लिए बनाया है, मगर नया में ही तोड़ दिया हुआ है, देख सकते हैं स्टार्ट भी नहीं हुआ है मगर पूरा तोड़ दिया है, फूट गया हुआ है, तो इसको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा ऊपर तक जो लास्ट में दिख रहा है उधर से अंत हो रहा है, और जैसे कि यहाँ से और ये पूरा इधर से जाकर जनकपुर में चला जाता है। और यही स्टेशन है कुर्था स्टेशन, जैसे कि आपको देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पे बच्चे लोग आया हुआ है पिक्चर विक्चर खींचने के लिए। और अभी मैं जो हूँ ऊपर में हूँ, यहाँ पे ऊपर में आप देख सकते हो जैसे कि इसका चारों साइड में पूरा खेत सब है। ये सब देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे इसी से नीचे ये जाता है, जैसे कि ये नीचे जाने वाला है, यहाँ से नीचे जाता है।